आय थिंक यही एक मैजिक है एक्चुअली. करोड़ीमल कॉलेज KMC, इतने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में KMC से. जैसे सतीश कौशिक जी जोकिंगली कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यशराज तो KMC चला रहा है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. इतने लोग हैं वहाँ कि कभी कभी तो हमें जो जानते नहीं है KMC के, जो बॉम्बे के लोग हैं, वो पूछते हैं कि फिल्म स्कूल है क्या? ऐसे नहीं, फिल्म स्कूल नहीं है, रेगुलर कॉलेज है. लेकिन उस कॉलेज का स्ट्रेंथ ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, थिएटर, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा देता था कि हम सब जो एक इंडिविजुअल्स जो शेप होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी एक शेप होती है, वो उससे होती है. इसलिए बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं कि वो ऑडिटोरियम जिसमें से मिस्टर बच्चन से लेके आज तक के एक्टर्स निकल के आए हैं, उसकी ये हालत हो गई है. इट जस्ट शोज़ हमारी एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं. यू नो, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती है जो एक आदमी को शेप करती है. इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस जिसमें थिएटर हो, ड्रामा हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ हो, तब जाके एक आदमी को एक कॉन्फिडेंस मिलती है, एक दे बिकम पीपल रेडी टू फेस द वर्ल्ड. और वो उस कॉज के लिए हम सब यहाँ आएँ कि KMC का जो एक थिएटर और एक जो ऑडिटोरियम था, एक इंस्टीट्यूशन था, अब वो इस हाल में है कि उसको उसके अंदर भी नहीं जा सकते हैं आप, एंड इट्स रियली सैड. तो उसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए ताकि वो जो 7 करोड़ 8 करोड़ जो चाहिए उसके ऑडिटोरियम को बनाने के लिए. नहीं, ऑब्वियसली देखिए, मिस्टर बच्चन साहब तो एक लेजेंड हैं, तो हम क्या, सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता था कि किरोड़ीमल कॉलेज के सबसे फेमस एलुमनाई कौन है, वो मिस्टर बच्चन है. तो सबके, जैसे जो हॉस्टलर्स हैं वो कह रहे थे कि सबसे पहले हॉस्टल में जाती पूछते थे, यार बच्चन साहब कौन से कमरे में रहते थे, और सबसे लंबा वेटिंग लिस्ट उसी कमरे का होता था. तो हम लोगों के लिए भी ऑब्वियसली जब हम उस थिएटर में, उस ऑडिटोरियम में जाते थे, तो एक वो एक फीलिंग की यार बच्चन साहब यहाँ परफॉर्म करते थे, यू नो, जब वो प्लेयर्स के मेंबर थे वो यहाँ परफॉर्म करते थे, तो उसी से एक मोटिवेशन मिलता था, एक इंस्पिरेशन मिलता था. एंड आई एम सो ग्लैड आज उन्होंने इतना टाइम निकाला टू कम बैक एंड स्पीक फॉर हिस कॉलेज. तो हम सब तो बहुत ही जूनियर हैं, हम सब यू हैव नॉट अचीव्ड हाफ ऑफ व्हाट ही हैज अचीव्ड, तो हमें तो आना ही था. बहुत खुशी है क्योंकि कहानी जो है वो मैंने शुरू करी थी, अब उसको आगे ले जा रहे हैं अली. हाँ, और अली मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं और दोस्त रह चुके हैं, अब वो यशराज में हैं. तो ऑब्वियसली टाइगर यशराज का फ्रेंचाइज है, अब उसको आगे ले जा रहे हैं, वो अपने नज़रिए से आगे ले जाएंगे. ऑब्वियसली कैरेक्टर तो वही रहेगा, एक जो बेसिक सेटअप था वो सिमिलर रहेगा, जो दुनिया हमने बनाई थी वो सेम रहेगा, लेकिन एक अलग नज़रिया होगा उस दुनिया. नहीं, ऑनेस्टली मैंने ये जो सीक्वल बनने वाला है उसमें कुछ ऐसा पर्सनल इनपुट नहीं दिया है, एक क्योंकि एज अ फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, तो वो ऑटोमेटिकली वो कैरी ओवर होगा, क्योंकि सीक्वल में आप जानते हैं कैरेक्टर्स तो सेम ही रहते हैं. लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का जो प्लॉट है, सेटिंग है, उसमें मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है, वो अली सब अपने आप की. शूटिंग ख़त्म हो गई है, बिफोर शेड्यूल ख़त्म कर दी हमने, तो उस बात की खुशी है. अब पोस्ट इसका चल रहा है, और क्योंकि इस बार ही फॉर द फर्स्ट टाइम एक सलमान खान की फिल्म में पोस्ट के लिए बहुत टाइम मिल रहा है. बजरंगी तो मैं रिलीज़ से 2 महीने पहले तक शूट ही कर रहा था, अभी हमारे पास 5 महीने हैं, तो हम आराम से पोस्ट करेंगे. एंड ऑब्वियसली और भी कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में जो मैं डिवेलप कर रहा हूँ, उनके बारे सोच रहा हूँ. एक नया मीडियम खुल रहा है अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का, वो एक नया मीडियम है, उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ हैं जो एज़ अ मिनी सीरीज़ बेटर कहे जा सकती हैं, स्केल भी उनमें बड़ा है, उन पे भी आइडियाज़ चल रहे हैं. कुछ फिल्म के, एक 1983 के बारे तो बात हो चुकी है, वो भी एक डेवलप कर रहा हूँ मैं. तो 2-3 आइडियाज़ हैं, एंड आई थिंक जब तक ट्यूबलाइट रिलीज़ होगी आई विल बी एबल टू अनाउंस मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ. अभी कुछ एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ लॉक नहीं हुआ है. ऑब्वियसली एज डायरेक्टर हम लोग बात करते हैं, और शाहरुख तो पुराने दोस्त हैं, मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ उनको. उन्होंने एक कैमियो भी करा ट्यूबलाइट में, बहुत ग्रेशियसली, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उन्होंने केम इन क्रिएटेड फॉर अस. तो हाँ, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थ्रिल, जस्ट टू सी शाहरुख एंड सलमान इन द सेम फ्रेम टुगेदर वाज अ ह्यूज थ्रिल, एंड आई एम श्योर द ऑडियंसेस विल लव दैट मोमेंट, बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल मोमेंट व्हेन दे कम टुगेदर. तो सब काफ़ी एक्टर से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ लॉक नहीं हुआ है ऑनेस्टली. थैंक यू थैंक यू सो मच.